नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मूवी न्यूज के एक और धमाकेदार एपिसोड में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार अक्षय कुमार की फिल्म मिशन रानीगंज के बारे में, जिसके रिलीज में लगभग 15 दिन का ही समय बचा है। लेकिन आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि इस फिल्म का हाइप सोशल मीडिया पे काफी कम देखा जा रहा है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि यह फिल्म भी अक्षय कुमार के करियर की एक फ्लॉप फिल्म साबित हो सकती है। जी हां दोस्तों, जिसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है कि इस फिल्म के मेकर्स इस फिल्म को लेकर ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं और ना ही इस फिल्म का प्रमोशन सही तरीके से किया जा रहा है, जिसकी वजह से बुक माई शो पर इस फिल्म के इंटरेस्ट काफी कम है। जी हां दोस्तों, आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि इस फिल्म के इंटरेस्ट टाइगर श्रॉफ की फिल्म गणपत पार्ट 1 से भी कहीं ज्यादा कम है, जहां फिल्म गणपत पार्ट 1 के इंटरेस्ट लगभग 18,500 के आसपास है। वहीं अक्षय कुमार की इस फिल्म को बुक माई शो पर लगभग 16,000 ही इंटरेस्ट मिले हैं, जबकि इस फिल्म के रिलीज में सिर्फ 15 दिन का ही समय बचा है। लेकिन अंदाजा लगाया जा रहा है कि फिल्म के ट्रेलर के रिलीज होने के बाद इस फिल्म का हाइप काफी ज्यादा बढ़ सकता है और ये फिल्म काफी अच्छे एडवांस बुकिंग करते हुए एक सुपरहिट फिल्म बन सकती है। तो आप सभी को क्या लगता है कि अक्षय कुमार की ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ कमाल दिखा पाएगी? आप सभी की राय में कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी अपडेटेड न्यूज के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल मूवी न्यूज को।